नरेंद्र मोदी आज गुजरात के बनासकांठा जिले में बनास डेयरी सकुल में कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे, जिसमें बनास कम्युनिटी रेडियो स्टेशन भी है। शाम को प्रधानमंत्री जामनगर में WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की आधारशिला रखेंगे और इस मौके पर मॉरिशस के प्रधानमंत्री और WHO के महानिदेशक विशेष तौर पर उपस्थित रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्कूलों में तकनीक के इस्तेमाल और पोषण अभियान पर ध्यान देने पर जोर दिया है। सोमवार को गुजरात के गांधीनगर में स्कूलों की निगरानी से जुड़े कमान और नियंत्रण केंद्र का दौरा करने के बाद छात्रों और शिक्षकों के साथ संवाद के दौरान प्रधानमंत्री ने यह बात कही। यह केंद्र हर साल 500 करोड़ से अधिक आंकड़े एकत्र करता है। यह केंद्र शिक्षकों और विद्यार्थियों की दैनिक ऑनलाइन उपस्थिति की निगरानी में भी सहायता करता है। विद्यार्थियों में प्रवीणता और क्षमता बढ़ाने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के उपयोग से आंकड़ों का विश्लेषण करता है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के नेतृत्व में एक भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल आज से वियतनाम दौरे पर है। वियतनाम की 3 दिवसीय यात्रा के दौरान ओम बिरला नेशनल असेंबली के अध्यक्ष और वियतनाम के राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे। भारत और वियतनाम के बीच 2000 वर्ष से भी अधिक पुराने ऐतिहासिक संबंध हैं। लोकसभा अध्यक्ष ने यह कहा है कि दोनों देश हिंद प्रशांत क्षेत्र को शांतिपूर्ण और समृद्ध बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। 22 अप्रैल को लोकसभा अध्यक्ष के नेतृत्व में भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल को कंबोडिया के लिए रवाना किया जाएगा। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू आंध्र प्रदेश के दौरे पर हैं। सोमवार को उपराष्ट्रपति ने कृष्णा जिला परिषद के पूर्व अध्यक्ष पिनामनेनी कोटेश्वर राव की आदमकद कांस्य प्रतिमा के अनावरण के अवसर पर जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा, चुनाव प्रचार के दौरान किए गए वादों के लिए राजनीतिक दलों को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। जो वादा किया जाए जनता की भलाई के लिए होना चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसा कानून जो चुनावी वादों पर नजर रखे और वादे पूरे नहीं होने पर जरूरी कार्रवाई का प्रावधान करता हो, ऐसे कानून पर सभी स्तरों पर राष्ट्रीय स्तर पर बहस की जरूरत है। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे अगले आर्मी चीफ होंगे। भारतीय सेना 29वें प्रमुख के रूप में नियुक्ति पर मुहर लगा चुकी है और आपको बता दें कि मनोज मुकुंद नरवणे के बाद लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे ही थल सेना में सबसे वरिष्ठ अधिकारी थे। जनरल MM नरवणे इस माह के आखिर में रिटायर हो रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे पदभार संभालेंगे। राष्ट्रीय रक्षा अकेडमी से पास होने के बाद दिसंबर 1982 में कोर ऑफ इंजीनियर्स में उन्हें कमीशन किया गया था। देश में एक बार फिर कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ने लगे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों में बीते एक दिन में लगभग 90% का इजाफा हुआ है। हाल ही के दिनों में दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में कोरोना के मामलों में तेजी आई है। बीते एक दिन में कोरोना वायरस संक्रमण के 2183 नए मामले सामने आए हैं। वहीं देश में उपचाराधीन मरीजों की संख्या 11,542 है। देश में उपचाराधीन मरीजों की संख्या कुल मामलों का 0.03% है, जबकि संक्रमण मुक्त होने वालों की राष्ट्रीय दर 98.76% है। बीते 24 घंटों में 214 लोगों की मौत कोरोना की वजह से हुई है। देश में दैनिक संक्रमण दर 0.83% है, जबकि साप्ताहिक संक्रमण दर 0.32% दर्ज की गई है। और चलिए पराक्रम, यदि राष्ट्रीय खबरें और अब हम रुख करेंगे NEWS यानी कि देश के चारों कोनों से आई खबरों यानी कि राज्यों से जुड़ी खबरों की ओर। योगी सरकार की कैबिनेट बैठक आज सुबह 11 बजे से शुरू होगी, जिसमें कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मंथन होगा। इस बैठक में कई बड़े फैसले किए जा सकते हैं। इनमें हर घर में एक रोजगार देने, बेटियों की शादी में अनुदान राशि बढ़ाने, महिलाओं और किसानों को खास सौगात देने के प्रस्तावों को मंजूरी दी जा सकती है। असम में गुवाहाटी नगर निगम के 60 वार्डों के लिए चुनाव आज होंगे। चुनाव आयोग ने बिहू के चलते चुनावों को 22 अप्रैल तक के लिए टाला था। मिजोरम के बाद अब अफ्रीकन स्वाइन फीवर ने त्रिपुरा में भी एंट्री कर ली है। बीमारी को फैलने से रोकने के लिए त्रिपुरा सरकार ने बड़े पैमाने पर सुअरों को मारने का आदेश दिया है। त्रिपुरा के
सिपाहीजला जिले में एनिमल रिसोर्सेज डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की ओर से एनिमल ब्रीडिंग फार्म चलाया जाता है। इस फार्म में सुअरों की जांच के दौरान उनमें कुछ में अफ्रीकन स्वाइन फीवर के लक्षण पाए गए। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने कल दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री को राज्य में शांति और विकास के लिए उठाए गए कदमों को विस्तार से बताया। साथ ही राज्य में ड्रग्स और भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में भी जानकारी दी। जहांगीरपुरी हिंसा के मामले में कल कुल 7 आरोपियों को रोहिणी कोर्ट में पेश किया गया। इनमें से 2 मुख्य आरोपियों को कोर्ट ने 2 दिन की पुलिस हिरासत और 4 आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इस मामले में अब तक 21 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में विशेष अदालत ने महाराष्ट्र के मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक की न्यायिक हिरासत की अवधि को 22 अप्रैल तक बढ़ा दिया है। नवाब मलिक ने अपने खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए तत्काल रिहाई की अपील की थी। 62 साल के नवाब मलिक को इस मामले में ईडी ने 23 फरवरी को गिरफ्तार किया था। दिल्ली में ऑटो टैक्सी और कैब चालकों के विभिन्न संगठन ईंधन की बढ़ती कीमतों के मद्देनजर सीएनजी में सब्सिडी और किराए की दरों में बदलाव की मांग को लेकर हड़ताल पर हैं। दिल्ली सरकार ने समयबद्ध तरीके से किराए में संशोधन पर विचार करने के लिए एक समिति बनाने की घोषणा की है। बावजूद इसके संगठनों ने हड़ताल पर जाने का फैसला किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में अमृत पर्व प्रवेश समारोह 2022 का उद्घाटन करते हुए कहा कि विश्व की वर्तमान स्थिति और यूक्रेन रूस युद्ध के बीच दुनिया की निगाहें शांति की अपेक्षा के साथ भारत पर टिकी हुई है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा है कि हुबली में एक सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर हुई हिंसा के सिलसिले में जांच की जा रही है और गिरफ्तारियां की गई हैं। उन्होंने कहा कि दोषियों के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में जनता दरबार में लोगों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को इसके समाधान के निर्देश दिए। कई फरियादियों ने निर्देश के बावजूद काम नहीं होने की बात कही। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, हापुड़, मेरठ, बुलंदशहर, बागपत और लखनऊ में सार्वजनिक स्थानों पर फेस मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है। देश के उत्तर पश्चिमी राज्यों और मध्य भारत में इन दिनों तेज गर्मी पड़ रही है। दिल्ली में 2 दिन से फिर लू चलने का अनुमान है। वहीं हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात और राजस्थान में गर्मी बढ़ने की आशंका है। मौसम विभाग के मुताबिक एक नया पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत पहुंचेगा, इससे तपन से कुछ राहत मिल सकती है। और आइए अब राष्ट्रीय और राज्यवार सुर्खियों के बाद एक नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों पर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन अमेरिकी दौरे पर हैं। वित्त मंत्री ने इंडोनेशिया और श्रीलंका के समकक्षों से मुलाकात की और द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर बनाने पर बात की। साथ ही विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की बैठकों में भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन शिरकत करेंगी। वित्त मंत्री सेमीकंडक्टर, ऊर्जा और सरकार की प्राथमिकता वाले अन्य क्षेत्रों में सक्रिय कंपनियों के CEO के साथ भी मुलाकात करेंगी। आज से श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में संसद सत्र शुरू होगा। विपक्षी दल गठबंधन सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रहा है। देश में आर्थिक संकट की स्थिति पैदा होने पर राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे से इस्तीफे की मांग की जा रही है। श्रीलंका में जारी आर्थिक व सियासी संकट के बीच राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे ने नया मंत्रिमंडल गठित किया है। इसमें 17 मंत्री शामिल किए गए हैं। इस पूरे मामले के बाद सोमवार को महिंद्रा राजपक्षे ने 17 सदस्यीय मंत्रिमंडल के साथ शपथ ली। सरकार ने ऋण हासिल करने के उपायों पर चर्चा की। यूक्रेन के सभी इलाकों में रेड अलर्ट जारी है। वहीं रूस ने यूक्रेन पर दूसरे चरण का हमला भी शुरू कर दिया है। यूक्रेन की लवीव में रूसी मिसाइल से हमला किया गया है।
और इसमें 7 लोग मारे गए हैं। पूर्वी यूक्रेन में संघर्ष तेज हुए हैं, वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा है कि हम आखिरी दम तक लड़ते रहेंगे। मरियुपोल में भी रूसी सेना लगातार बमबारी कर रही है। वहीं यूक्रेन की ओर से कहा गया है कि इरपिन में रूसी हमले में करीब 269 लोगों की मौत की खबर है। राजधानी कीव सहित प्रमुख शहरों और दूसरे जगहों के 400 से ज्यादा लक्ष्यों को हवाई बमबारी, टैंक गोलाबारी और मिसाइल हमलों का निशाना बनाया गया। रूसी हमलों से परेशान यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने दुनिया से रूस को रोकने की गुहार लगाई है। अमेरिका में अब उड़ानों, ट्रेनों में सफर के दौरान मास्क अनिवार्य नहीं होगा। अमेरिका में कोर्ट के आदेश के बाद सरकार ने यह फैसला किया है। इसराइल और फिलिस्तीन के आतंकी संगठन हमास के बीच एक बार फिर हिंसा भड़क उठी है। पिछले 7 महीनों में गाजा से पहली बार रॉकेट दागा गया है, जिसे आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम ने जवाबी कार्रवाई करके रोक दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन यूक्रेन के दौरे पर नहीं जाएंगे। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने जो बाइडेन को रूस के खिलाफ लड़ाई में समर्थन दिखाने के लिए यूक्रेन का दौरा करने का न्योता दिया था। व्हाइट हाउस ने कहा है कि बाइडेन की कीव जाने की कोई योजना नहीं है। दक्षिण अफ्रीका के क्वाजुलू नताल प्रांत में बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। देश में इस भीषण प्राकृतिक आपदा में अब तक 400 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है, तो वहीं 40,000 से ज्यादा लोग बेघर हैं। साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने कहा है कि जैसा कि हम कोविड आपदा से बाहर निकलने की सोच रहे थे, तभी हमारे देश पर एक प्राकृतिक आपदा आ गई। और अमृता, इन सुर्खियों के बाद ये